आप देख रहे हैं न्यूज क्राफ्ट ब्लास्टिंग। बात करेंगे नगर भवन चतरा में ग्राम सभा मंच का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन संपन्न। मंच ने वन विभाग पर वन क्षेत्र में रहने वालों के साथ जाति करने का लगाया आरोप। चतरा जिला ग्राम सभा मंच का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन नगर भवन में आयोजित था, जिसकी अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष अशोक भुइया ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड बचाओ आंदोलन सेंट्रल कमेटी के सचिव जेवियर कुजूर तथा विशिष्ट अतिथि सेंट्रल प्रभारी राजेश महतो, अधिवक्ता वीरेंद्र तिवारी व सुशील तिवारी उपस्थित थे। सम्मेलन में विभिन्न प्रखंडों से 2000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी को भारत सरकार का महत्वपूर्ण 3 अधिकार मिला है, जिससे व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा, सामुदायिक अधिकार का पट्टा तथा सामुदायिक संसाधन संरक्षण सर्वजन प्रबंधन एवं उपयोग करने के लिए पट्टा पाने का अधिकार है। सबसे पहले हमारे इस मीडिया साथी के सभी साथियों को हमारे तरफ से जोहार। और ये मैं अशोक भारती, चतरा जिला ग्राम सभा मंच का दो दिवसीय सम्मेलन 10 एवं 11 मई को आज समाप्ति होगी। और इस में वन अधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों पर अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 के संशोधित नियम 2012 के तहत भारत सरकार का महत्वपूर्ण 3 अधिकार ग्राम सभा के लोगों को दिया गया, जो कि ग्राम सभा में के लोगों को आज तक लोगों को पट्टा नहीं दिया गया। और पट्टा नहीं दिया गया, वहीं उस एक तरफ से वन विभाग के लोगों को द्वारा उस जमीन से बेदखल करके ट्रेंच काट और पीट फोड़ करके लोगों को उस समय उस जगह से नर्सरी लगाने का काम किया जा रहा है। तो इसी के लिए अभी हम लोग चतरा जिला के सभी गांव के, चतरा ब्लॉक के 12 ब्लॉक के हर एक गाँव के लोग हम लोग इस मंच में शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो अभी हम लोग ग्राम सभा से जो व्यक्तिगत या सामुदायिक और सामुदायिक संसाधनों का दावा के लिए आवेदन किए हैं, उस आवेदन को के तहत आगे हम लोग अनुमंडल स्तरीय कमेटी के जो पास जमा किया गया है, तो हम लोग डीसी साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी लंबित दावे हैं उनको पट्टा दिया जाए। अगर पट्टा नहीं देते हैं तो बाध्य होकर के जनता जो है हम लोग जवाब लेने के लिए सड़क पर चरणबद्ध आंदोलन हो करके हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हमारे चतरा जिला के पूरी ग्राम सभा के लोग, उद्देश्य ये रहा कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत जो ग्राम सभा को अधिकार केंद्र सरकार ने दिया है, ये अधिकार ग्राम सभा को मिले। और ग्राम सभा को ये अधिकार नहीं देने के वजह आज चतरा जिला का विभिन्न प्रखंड के लोग आज कल मान 10 और 11 दो दिन ये नगर भवन चतरा में पूरे चतरा जिले को विभिन्न प्रखंडों को जोड़कर और एक ग्राम सभा मंच, चतरा जिला ग्राम सभा मंच का गठन किया जा रहा है। और ये चतरा जिला ग्राम सभा मंच इस आंदोलन को, इस अधिकार को कैसे दिलाएगी, इस पर विचार व्यक्त करेंगे। अगली भी बनेगा कि इस कानून को लेने के लिए चतरा जिला ग्राम सभा मंच का क्या कदम, अगला कदम क्या होगा।